हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, कैसे हो आप सब? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड बस मैं यहाँ पे अभी दक्षु की बुक्स वगैरह है उनको बाइंडिंग कर रही थी, कवर वगैरह चढ़ा रही थी उसकी न्यू बुक्स पर। और आप सबको जैसे कि पता है कि उसका अभी न्यू एडमिशन मैंने करवाया है न्यू स्कूल में, तो फिर दक्षु के पापा फिर उसकी न्यू बुक्स वगैरह ले आए थे जा कर के। एंड मैं फिर अपने घर से वापस आ गई थी, और आ कर के उससे पहले मेरे पास बस एक ही दिन था आज का ही, एंड नेक्स्ट डे दक्षु को जाना था स्कूल। फर्स्ट डे था दक्षु का स्कूल का, तो बस आज के दिन ही मैंने फटाफट से सारी प्रिपरेशंस की, इसकी न्यू ड्रेस वगैरह सब इसको पहना करके देखनी थी कि प्रॉपर से फिटिंग वगैरह अच्छे से है या नहीं है, ऑल्टर करना, ये सारी चीज़ें। एंड मेन था मुझे इसकी बुक्स का, बुक्स भी इसकी ना 15-16 बुक्स हैं, तो उसका मुझे ये था सबसे ज़्यादा कि मैं फटाफट से बस उन पर अच्छे से सेलोफिन शीट्स वगैरह चढ़ा करके उनको प्रॉपर रेडी कर दूं। एंड नोटबुक्स वगैरह उन पे अलग रेड कवर चढ़ने थे, वो सब मैंने अच्छे से प्रॉपरली इसको रेडी कर दिया था स्कूल के लिए। सो बस यहाँ पे मैं लगी हुई हूँ, एंड दक्षु के पापा भी घर पे ही थे। घर एक्चुअली मैं आज ही अपने घर से वापस आई थी, और ये भी फिर हस्बैंड भी घर पे ही थे, और मैं और ये हम दोनों मिल के बस इन्हीं सब कामों में लगे हुए थे। और सारे बुक्स वगैरह रेडी करने के बाद फिर मैंने इसकी यूनिफॉर्म वगैरह सब चेक की, क्योंकि वहाँ पे तो जब यूनिफॉर्म लेने गए थे ना हम स्कूल में, तो वहाँ पे जस्ट मैंने, मुझे नंबर पता है दक्षु का कि कौन सा नंबर की ड्रेस आती है इसको, तो जस्ट चेक करके ऐसे ही मैं ले आई थी। और शर्ट्स वगैरह तो मैंने वहीं पे पहना के देख ली थी, और फिर आके मैंने उसको अच्छे से प्रॉपर इसको पहना करके देख लिया था, तो एकदम फिट आई थी, ऑल्टर करने की ज़रूरत पड़ी नहीं वैसे मुझे, मेरा ये टाइम बच गया था। और बस अभी शाम हो चुकी है, सारा काम होने के बाद मैं अभी पूजा करने लगी हूँ, पूजा का टाइम हो चुका है। कल का दक्षु का फर्स्ट डे था स्कूल का, जो कि नेक्स्ट मॉर्निंग आएगा, तो वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी इसी व्लॉग में। मतलब इस व्लॉग को प्लीज़ पूरा एंड तक ज़रूर देखना कि दक्षु किस तरीके से रेडी होकर के स्कूल गया था, और इसका प्रॉपर न्यू स्कूल अब स्टार्ट हो गया है नर्सरी से, पहले तो ये प्ले में जाता था ना। सो बस अभी यहाँ पर मैं कर रही हूँ पूजा शाम की, और जोत वगैरह मैंने जला दी है, अगरबत्ती जला दी है। पूरे घर में मैं ऐसे धूप मतलब पूरे घर में ऐसे घुमा देती हूँ, एक अच्छी फ्रेग्रेंस हो जाती है, और घर में ना एक पॉजिटिव वाइब आती है जब शाम को ऐसे पूजा होती है, अगरबत्ती की खुशबू पूरे घर में, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए मैं पूरे घर में अगरबत्ती घुमा देती हूँ। सो बस अभी उसके बाद मैं अभी आ गई हूँ किचन में, दक्षु का न्यू वाटर बॉटल लेके आए थे दक्षु के पापा, एंड टिफ़िन बहुत ही प्यारा था, थोड़ा एक्सपेंसिव है बट ठीक है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी में इसके लिए ये दोनों चीज़ें लेके आए थे, टिफ़िन बॉक्स एंड वाटर बॉटल। अभी क्लोज से मैं अभी आपको दिखाती हूँ। सो बस इसको मुझे वॉश करके रखना है, पैकिंग में पड़े हुए थे ये बॉक्स जो पैकिंग आती है उसी में, सो उसमें से निकाल करके मैंने सोचा चलो अभी इसको धुल देती हूँ। ये देखिए क्लोज से स्पाइडरमैन, बच्चों के यही कार्टून फेवरेट होते हैं ना लड़कों के मोस्टली, तो एक ही मतलब मैचिंग के हैं दोनों, स्पाइडरमैन बना हुआ है दोनों पे। सो स्टील का लंच बॉक्स है ये, हार्मफुल नहीं होता बच्चों के लिए, जैसे गर्म खाना वगैरह हम स्टील में डाल देते हैं, एक तो लॉन्ग टाइम तक गर्म रहता है, और दूसरी बात है कि ये हार्मफुल नहीं होता हेल्थ के लिए बच्चों की। सो अभी ये वॉश करके मैंने रख दिए हैं। एंड गाइस, अभी हो चुकी है नेक्स्ट मॉर्निंग, दक्षु को कर दिया है मैंने प्रॉपर रेडी। ये है दक्षु की यूनिफॉर्म, बहुत ही सिंपल सी है और बहुत ही यूनिक एंड प्यारी सी यूनिफॉर्म है इसकी, और इसका मैचिंग का मतलब ये शर्ट है ना ये वाइट कलर में नहीं है, इसमें ब्लू कलर की बहुत ही बारीक सी स्ट्रिप्स लगी हुई हैं, बनी हुई हैं, तो उसके मैचिंग का दक्षु का ब्लू पटका है स्कूल का। सो दक्षु के पापा बस इसको पटका पहना देंगे अभी अच्छे से, और इसका टिफ़िन वगैरह मैं उधर रेडी कर देती हूँ, फिर इसको बीच बीच में फटाफट से आके नहला के ब्रश करवा के फिर मैंने इसको यूनिफॉर्म पहना के रेडी किया है। देन दक्षु के पापा का काम होता है पटका बांधना एंड दक्षु को शूज़ पहनाना, बस बाकी सारे काम मैं फटाफट से निपटा देती हूँ। जल्दी उठती हूँ सुबह 6:30 बजे, सबसे पहले उठ जाती हूँ, फिर मैं धीरे धीरे अपना किचन का काम, टिफ़िन वगैरह, दक्षु के एक्चुअली 2 टिफ़िन जाते हैं फ्रूट का एंड लंच बॉक्स है ना, दोनों चीज़ें मैं रेडी करती हूँ, तब तक फिर दक्षु के पापा इसको
धीरे धीरे से उठाते हैं प्यार से, तो हम दोनों ऐसे मिलके दक्षु को रेडी करके स्कूल भेजते हैं। सो बस यहाँ पे दक्षु का फर्स्ट डे है और मेरा बहुत मन था कि मैं भी दक्षु को स्कूल छोड़ने जाऊँ। इवन मैं अभी तक स्कूल छोड़ने जा रही हूँ, इसको काफ़ी दिन हो गए, मतलब एक भी दिन वो अकेला नहीं गया पापा के साथ, हम दोनों ही जाते हैं हस्बैंड वाइफ उसको छोड़ने। सो बस यहाँ पे मैं भी रेडी हो चुकी हूँ, इसका बैग वैग सब प्लानर के अकॉर्डिंग मैंने इसकी बुक्स वगैरह सब पैक कर दी हैं बैग में, और अभी बस हम दोनों जाएंगे इसको छोड़ने। थोड़ा सा उदास सा था क्योंकि बहुत टाइम बाद ये स्कूल जा रहा था और इसके लिए एक नया एक्सपीरियंस था, नया स्कूल, बड़ा स्कूल, न्यू टीचर्स एंड न्यू क्लासमेट्स, तो थोड़ा सा ये ना सुस्त था। और वहाँ पे जाके थोड़ा सा रोया भी कि मम्मा पापा मेरे को छोड़ के मत जाओ, तो बहुत ही इमोशनल हो गई थी मैं। और फर्स्ट डे था स्कूल का, तो फर्स्ट डे हम लेट हो गए क्योंकि पता नहीं था ना, दूर है थोड़ा सा घर से स्कूल, तो आइडिया नहीं था कि ट्रैफिक वगैरह मिलेगा क्योंकि सुबह सुबह 6-7 बजे मॉर्निंग टाइम में मतलब ऑफिस टाइम होता है, तो इस चीज़ का आइडिया नहीं लगा हमें और बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक मिला और हम पूरे 15-20 मिनट आधा घंटा लेट हो गए थे। बट ठीक है, फर्स्ट डे था, मैम ने एंट्री कर दी क्योंकि छोटे बच्चे हैं ना तो इतना चल जाता है, तो बट डेली डेली तो यहाँ भी नहीं चलेगा। तो उसके बाद फिर एक भी दिन लेट नहीं हुए क्योंकि फर्स्ट डे हमें इतना ट्रैफिक मिला, लेट हो गए थे हम, तो हमें ना उस चीज़ से आइडिया मिल गया कि अब हमें अपना टाइम किस तरीके से सेट करना है कि हम ट्रैफिक से बच जाएं। तो उसके बाद फिर हम कभी लेट नहीं हुए दक्षु को लेकर के। सो बस घर पे वापस आ गए, मैंने चेंज वेंज किया एंड चेंज करके मैंने अभी झाड़ू पोछा लगाना स्टार्ट कर दिया है। आके मैं क्लीनिंग वगैरह करती हूँ और दक्षु के पापा फिर थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं, नींद पूरी करते हैं, और मैं भी थोड़ी देर के लिए रेस्ट करती हूँ अगर नींद आती है तो। नींद तो आती नहीं है क्योंकि बच्चा स्कूल में होता है तो फिर ऐसे मन नहीं करता सोने का पीछे से। तो बस मैं अपना फिर कुछ किसी ना किसी छोटे मोटे काम में लग जाती हूँ और सारा काम कम्प्लीट होने के बाद नहाना धोना मेरा हो चुका है, नहा करके मैं रेडी हो चुकी हूँ फिर से, और अभी आफ्टरनून हो चुकी है और अभी जा रहे हैं हम दक्षु को स्कूल से वापस लेने। हाँ जी, आपके हेड पे कर दी थी। क्या क्या चीज़ें ले ली दक्षु ने? चलो चलो, मुझे कार्टून देखना है। कार्टून देखना है, चलो ठीक है। आज भी नहीं देना, घर जाके देखूंगा। ठीक है। कुछ नहीं, मैं स्ट्रॉन्ग हुआ, कर कर कर।
सो ये है दक्षु का बैग। सो होमवर्क इसका सारा हो चुका है, अभी सारा कंप्लीट करवाया मैंने बैठ के इसको। एंड इसमें से जो कल के प्लानर के अकॉर्डिंग बुक्स जानी है ना इसकी, वो अभी देख के टाइम टेबल के अकॉर्डिंग रखनी पड़ेगी मेरे को। और ये देखिए, ये ना एक बैग दक्षु के पापा ये ले आए थे इसके लिए, कितना प्यारा है। सो बट ये वाला इसको स्कूल से बुक्स के साथ मिला था, तो अभी मैं इसको यही दे के भेज रही हूँ। वैसे कोई भी बैग लेके जा सकते हैं आई थिंक, क्योंकि मैंने देखा है बच्चों को वहाँ पे और भी बैग्स लेके आते हैं अलग अलग, बट मोस्टली बच्चों के पास यही होते हैं। तो फिर मैं दक्षु को यही लेके भेजती हूँ, और सबके बैग सेम है ना। तो मैंने यहाँ पे दक्षप्रीत का नाम लिख दिया, देखो दक्षप्रीत सिंह नर्सरी ए। सो ताकि बैग बच्चे का चेंज ना हो। और चलो अभी इसकी बुक्स वगैरह भी रखूँगी, अभी पहले डिनर की प्रिपरेशंस कर लेते हैं। और दक्षु का ये प्ले स्कूल वाला बैग है, कभी हल्का फुल्का कुछ सामान ले जाना होगा ना, जैसे सैटरडे वगैरह होता है तो उस दिन ये भी भेज सकते हैं। सो चलिए ये दक्षु का, अभी मैंने बैग्स ना यहीं पे ऐसे ही रखे हुए हैं। वैसे मैं सोच रही थी ना इसकी जितनी भी स्टेशनरी है ना, ये वाला जो बैग है इसमें मैंने इसकी एक्स्ट्रा बुक्स सारी रखी हुई हैं न्यू जो है ना, सारे पेंसिल बॉक्स वगैरह सारी बुक्स न्यू, इसमें से निकाल के प्लानर के अकॉर्डिंग डेली मैं फिर इसको स्कूल बैग में डाल के दे देती हूँ। तो अभी बैग में इसीलिए रखी है क्योंकि पहले मेरा यहाँ पे इस वाले रैक में रखने का प्लान था कि सारी बुक्स सारी स्टेशनरीज की यहाँ पे सेट कर देती हूँ, तो डेली ना फिर प्रॉब्लम नहीं होती, आराम से निकालो और बच्चे के बैग में रख के भेज दो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोबारा से वेलकम इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि दो दिन बाद मैं ये क्लिप शूट कर रही हूँ। सो एक्चुअली मेरे को बहुत तेज़ फीवर हो गया था, बहुत ही ज़्यादा 103 फीवर हो गया था मुझे। और सो एक्चुअली मेरे को जिस दिन फीवर हुआ ना, तो उसी दिन मेरे को मतलब ऐसा फील हो रहा था कि बदन टूट रहा है ना, फीवर में होता है, सबके साथ होता है, आप सबके साथ भी होता होगा। तो बस जैसी जैसे रात होती गई तो मेरे को बहुत तेज़ फीवर हो गया था, 103 फीवर था मेरे को। और बस फिर मेडिसिन वगैरह ली, दो दिन ऐसी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रही, वीकनेस बहुत ज़्यादा आ गई थी, क्योंकि हाई फीवर होने के बाद तो बस पूछो मत कैसी गंदी वाली वीकनेस आती है। तो इसीलिए फिर मैं ना व्लॉग शूट नहीं कर पाई, वीडियो ज़्यादा मैंने शूट नहीं की, बस यही स्कूल का दक्षु का शूट किया था। फर्स्ट डे था तो मेरा बहुत मन था कि मैं अच्छे से शूट करूं और उसका फर्स्ट डे स्कूल का कैप्चर करूं, क्योंकि अब तो प्रॉपर स्कूलिंग उसकी स्टार्ट हो गई है। पहले तो प्ले में जाता था, बट चलो वो भी स्कूल ही था, बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं इसने वहाँ से भी, बेसिक सारा इसको आता है। सो अब प्रॉपर स्कूलिंग नर्सरी से स्टार्ट हो गई है इसकी, तो फिर इसलिए मेरा मन था कैप्चर करूं सारी चीज़ें। तब भी तबीयत थोड़ी सी ऐसे ही थी मेरी, बट ठीक है, चीज़ें चलती रहती हैं, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं लाइफ में। और अभी तो तबीयत ठीक है मेरी, मतलब फीवर वगैरह कुछ नहीं है, हाँ थोड़ी बहुत वीकनेस है, बट चलो चलता है, धीरे धीरे वो भी ख़त्म हो जाएगी। सो मैंने सोचा था कि चलो थोड़ा सा आप सबसे बात कर लेती हूँ, अपडेट दे देती हूँ, और प्रॉपर ब्लॉगिंग स्टार्ट करने वाली हूँ मैं जल्दी ही। छोटी छोटी चीज़ें थी, कुछ काम थे ऐसे मेरे पेंडिंग जो कि मुझे करने थे बहुत ज़रूरी, तो वो सारे मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। प्रॉपर ब्लॉगिंग बस जल्दी ही स्टार्ट करने वाली हूँ। एक्चुअली हमारा ना यहाँ से शिफ्टिंग का भी थोड़ा सा प्रोग्राम बन रहा है, क्योंकि दक्षु का मेरे बेटे का स्कूल ना थोड़ा दूर पड़ जाता है यहाँ से, तो लेने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, छोड़ने जाने में दक्षु के पापा होते हैं, लेने जाने में मैं अकेले नहीं जा सकती, क्योंकि वो थोड़ा एरिया ऐसा पड़ जाता है ना, वहाँ पे डायरेक्ट कोई कन्वेंस भी नहीं जाता कि मैं कोई ऑटो वगैरह कर लूँ और आराम से ले आऊँ, थोड़ा अंदर को पड़ जाता है। तो इस वजह से हम डिसाइड कर रहे हैं, रेंट पे रहते हैं ना, तो यार हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन है कि हम शिफ्टिंग कर सकते हैं, तो इसके स्कूल के साइड ही हम देखते हैं अच्छा सा कहीं फ्लोर मिल जाए हमें, तो हम जल्दी ही यहाँ से शिफ्ट हों। विद इन अ मंथ हम ये काम करने वाले हैं, और थोड़ा सा चेंज हो जाएगा माहौल, तो ठीक है, इस घर को छोड़ के जाने का भी मन नहीं है, बट क्या करें, बच्चे के लिए चीज़ें करनी पड़ेंगी। स्कूल लगाया है इसको उधर, सोच समझ के अच्छा स्कूल मिल गया था, तो फिर हम सोच रहे हैं कि अब शिफ्टिंग कर लेते हैं और इसके स्कूल के पास ही चले जाते हैं। इस घर के साथ बहुत सारी यादें हैं जो कि मेरे YouTube चैनल में मैंने सब कैप्चर कर रखी हैं, याद आएगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस चीज़ से अटैचमेंट, इस घर से अटैचमेंट इस बात की है, क्योंकि मेरा दक्षु यहाँ पे आया था जब दक्षु का बॉर्न हुआ था ना,
सो दक्षु का यही पहला घर है, यहीं पे दक्षु ने चलना सीखा, खड़े होना सीखा, हर चीज़ करनी दक्षु ने यहीं पे सीखी। दक्षु के 4 इयर्स यहाँ पे दक्षु के साथ रहे हैं हम, तो इसीलिए मुझे इस घर की बहुत ज़्यादा याद आने वाली है। ज़्यादा नहीं बोलूँगी नहीं तो इमोशनल हो जाऊँगी और आंसू आ जाएंगे आँखों में। तो चलिए क्या कर सकते हैं, अपना घर नहीं है ना तभी सबसे ज़्यादा फील होता है, अगर अपना घर होता तो इतना फील नहीं होता। सो बस यही सारी चीज़ें हैं एंड चलिए फिर मिलती हूँ, इमोशनल हो जाऊँगी ऐसी बात करती रहूँगी तो इमोशनल हो जाऊँगी, आँखों से आंसू टप 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 बहने लगेंगे फिर मेरे। चलिए उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर करना फैमिली एंड फ्रेंड के साथ एंड कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं इंद्रजीत मिलूंगी आपसे फिर एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस। सब लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए एंड खुश रहने दीजिए, किसी को प्लीज़ परेशान मत किया कीजिए। और क्योंकि यहाँ पे लोग ना, दुनिया ऐसी है, दूसरों को परेशान करने बहुत जल्दी आ जाती है, दूसरों की लाइफ में झांकने, दूसरों के घरों में झांकने, बस यही काम है लोगों का। और प्लीज़ ऐसा आप लोग मत कीजिए, सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है, सबको आराम से रहने दीजिए, कोई किसी को परेशान ना करे, अपनी लाइफ के साथ एंजॉय करो। एक छोटी सी लाइफ दी है भगवान ने, उसको एंजॉय कीजिए गाइस, किसी को परेशान किए बिना। सो बहुत से लोग समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे, बाय गाइस।